सारी पृथ्वी के लोग अपने आओ जय जयकार कर सारी पृथ्वी के लोग अपने आओ जय जयकार कर आओ सब Yeah.
भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा। I'm not afraid to die.
आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज हो। एक बार फिर से जब जैसे दोहरा रहे, आइए अपने पवित्र हाथों को पूरा उठाएं, दोनों हाथों को उठाकर रखें। Yeah.
और प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। मनुष्य क्या है कि तुझे कुछ दे सकता है खुदा, परंतु मनुष्य को तूने बहुत आशीषें दी है, और जो आशीषें तूने हमें दी है उसमें से कुछ भाग आपके राज्य के विस्तार के लिए अलग किया है, इसे कबूल फरमा। और विशेष तौर से प्रभु जी आने वाले वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं, वचन की वो गूढ़ और गहरी बातें जो तूने प्यारे खुदावन प्रभु जी आज हमारे लिए रखी है उसको हमें दे। आज विशेष तौर से प्रथम आर्य का जन्मदिन है, हम यीशु मसीह के नाम से उसको आशीष कहते हैं। और प्रभु जी हमारी कलीसिया में बहुत सारे लोग बीमार हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। बहन सिल्वी स्पेशली प्रभु अस्पताल में भर्ती हैं, प्यारे खुदावन परमेश्वर हम उस बहन की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका वचन भेज कर उन्हें चंगा करें। भाई किशोर तिलोकानी की तबीयत खराब है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम उसके लिए भी आपका वचन भेज कर उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं तुमने हमारी प्रार्थना को सुना है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मेहरबानी से बैठ जाएं। आइए आज सुबह परमेश्वर के वचन को खोलेंगे और निकाल के पढ़ेंगे पहला तिमोथियुस उसका पहला अध्याय और उसके 18 पद से लेकर 20 पद तक। पहला तिमोथियुस उसका पहला अध्याय और 18 वचन। हे पुत्र तिमोथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हिमनियुस और सिकंदर हैं जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना न सीखें। मेरे अजीजो, यहाँ पर पौलुस जो है अपने आत्मिक बेटे तिमोथियुस की चिंता करते हुए, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें उसको चिंता है कि वो अपने आत्मिक बेटे की चिंता कर रहा है। जैसे आप हमारे आत्मिक बेटे और बेटियां हैं, तो लाजमी है कि जब पौलुस को इस बात की चिंता थी तो मुझे भी आप लोगों के आत्मिक जहाज ना डूब जाए और आपका आध्यात्मिक जीवन बराबर चलता रहे, उसके लिए मुझे चिंता कभी कभी बहुत ज़्यादा सताती है। तो पौलुस अपने बेटे तिमोथियुस को लिखता है, पत्र लिखते समय बोल रहा है कि तुम जो है वो भविष्यवाणी जो तुम्हारे लिए की गई है और वो शिक्षा जो तुम्हें दी गई है, और मैं तुम्हें इस विषय में आज्ञा देता हूँ। क्या देता हूँ? सलानी, सम्मति नहीं। आज सुबह पौलुस तिमोथियुस को जब लिख रहा है तो वो आज्ञा दे रहा है, और आज सुबह जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसे भी आप आज्ञा के रूप में ही लें। किसके साथ संगति करनी है, किसके साथ संगति नहीं करनी है, किसके पीछे भागना है, किसके पीछे नहीं भागना है, अगर आप इस बात को समझ गए तो आपका जहाज कभी डूबेगा नहीं। लेकिन अगर आप नहीं समझे तो आपका विश्वास रूपी जो जहाज है, जो आध्यात्मिक यात्रा आपने शुरू की है, वो कभी आप पूरी नहीं कर पाएंगे। मिस्र से कनान जाने के लिए जो लोग निकले, लेकिन रास्ते में एक बड़ी घटना वहां पर घटी, और वो घटना ये थी कि जब मिस्रियों के हाथ से मूसा ने इसराइलियों को छुड़ाया, और छुड़ाने के बाद जब रास्ते में एक समय ऐसा जीवन में आया जब परमेश्वर ने निर्गमन की किताब उसके 32वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि आपको सबको पता है कि परमेश्वर जब मूसा से बात करता था तो बात करने के लिए पहाड़ पर बुलाता था, और मूसा पहाड़ पर चला गया, और जब मूसा पहाड़ पर चला गया तो 40 दिन और 40 रात पहाड़ पर रहा, और एक लंबा समय पहाड़ पर रहने के बाद वो जो समय जो नीचे लोगों के साथ था, उस समय उनका नेतृत्व करने के लिए हारून आ गया। कौन आ गया? हारून। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हारून मूसा का वैसे तो रिश्ते में सगा भाई और बड़ा भाई था, लेकिन परमेश्वर ने हारून को नियुक्त नहीं किया था काई के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए। मार्गदर्शन करने के लिए परमेश्वर की ओर से जो नियुक्त किया हुआ व्यक्ति था वो मूसा था, ठीक है, नेतृत्व करने के लिए मूसा को लगाया था।
और मूसा के साथ जब मूसा ने कहा प्रभु मैं तो बोलना नहीं जानता हूं, ऐसा है वैसा है, ढिमकाना है फलाना है, तो परमेश्वर ने कहा डोंट वरी, तेरा भाई है ना, तेरा हारून तेरा भाई है, मैं जो उसको तुझे बोलूंगा तू अपने भाई को बोलना और तेरा भाई लोगों को बोलेगा। स्पोकमैन, स्पोकमैन का मतलब होता है जो केवल जैसे एक ढूंढी पीटने वाला, जो सुनता है वही बोलना है उसको, इससे ज्यादा नहीं करना है। लीडरशिप में भी ऐसा ही होता है कि जो मेन लीडर होता है वो जो बोले उससे ज्यादा काम नहीं करना है, आगे नहीं बढ़ना है, इस बात को भी अच्छी तरह समझ लें। और ये नेतृत्व करने का सब समय आया तो हारून नीचे खड़ा हो गया, और हारून के विषय में मैंने आपको बताया कि हारून केवल एक स्पोकमैन के रूप में अपने भाई मूसा के साथ परमेश्वर की सेवा को अंजाम दे रहा था। लेकिन जितने भेद की बातें प्रकट करनी होती थी परमेश्वर हारून पे नहीं परंतु मूसा पे प्रकट करता था। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब जब वहां से आगे बढ़ते हैं कि वो 40 दिन और 40 रात पर्वत पे चला गया, तब वहां पर एक घटना घटी और वो पढ़ेंगे हम निर्गमन का 32 अध्याय और उसके 17 पद को पढ़ें। जब यहोशू को लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा, यहोशू और मूसा जो है जब नीचे उतर कर आ रहे थे तो दूर से कोलाहल सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया? बोलो कोलाहल सुनाई दिया। कोलाहल का मतलब समझते हैं आप, आगे पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा, पढ़िए जरा। तब उसने मूसा से कहा, छावनी से लड़ाई का सा शब्द, छावनी से काई का शब्द सुनाई दे रहा है। आराधना का, काई का शब्द, आपके घरों से काई का शब्द सुनाई देता है। बाइबल में लिखा है धर्मियों के तंबू में जय जयकार की आवाज निकलती है, विजय का अनुभव निकलता है। लेकिन यहां जो यहोशू सुन रहा है तो क्या निकल रहा है, क्या सुनाई दे रहा है? लड़ाई का माहौल हो गया है, आराधना का माहौल खत्म हो गया है। क्या आप मेरे साथ हैं? कोलाहल काई का सुनाई दे रहा है, जैसे कोई कोई आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ पढ़ो। उसने कहा यह जो शब्द है वह न तो जीतने वालों का है, ये कोई विजय का अनुभव नहीं दिख रहा इनके जीवन में। ये जो शब्द है, ये जैसे बोलते हैं ना विजय की कुछ हुकार होती है, ललकार होती है, वो सुनाई नहीं दे रही है, कुछ और ही सुनाई दे रहा है। आजकल ऐसा ही होता है, कभी कभी विश्वासी के जीवन से विजय नहीं, कुछ और ही सुनाई देता है ना। जैसे मैं अक्सर बताता हूं कि बाइबल में भजन कितने हैं, बोलो ना, 150। और विलाप गीत कितने हैं, बोलो ना, जोर से बोलो, हाँ 5। आपके जीवन में विलाप गीत कितने हैं? राइट आंसर। और भजन कितने हैं? 5। पूरी बाइबल में 5 विलाप गीत हैं, वो भी यर्मिया ने लिखे हैं, और यर्मिया ने तो इसलिए लिखे हैं कि वो लोगों के लिए रो रहा है, लोगों की आत्मा के लिए रो रहा है, उसका उसका अपना कोई विलाप नहीं बिचारेगा, वो लोगों के लिए रो रहा है, आंसू बहा रहा है। ठीक है, हमारे हमारी लाइफ में 150 भजन होने चाहिए, विजय के अनुभव होने चाहिए, लेकिन 5 ही विजय के अनुभव हैं और 150 विलाप गीत हैं। ऐसा ना करें। चलिए खैर, ये तो निकलती हुई बात थी इसलिए दिखा दी आपको, बता दी, बढ़िया आगे। ये जो शब्द है वह न तो जीतने वालों का है, ना तो विजय का है, और न हारने वालों का है। बताइए क्या गड़बड़ सड़बड़ चल रही है, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़िए। मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता है। मुझे तो काय का शब्द सुनाई दे रहा है, गाने का तो शब्द है लेकिन गाने के शब्द पूरी रीति से सुनाई नहीं दे रहे हैं, कोई और ही गाना गा रहे हैं। हमने तो बहुत कुछ आराधना के गाने सिखाए थे लेकिन ये तो फिल्मी गीत गा रहे हैं या और ही गीत गा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है विश्वासी कुछ और ही गीत गाने लगता है। चलिए आगे बढ़िए। छावनी के पास आते ही मूसा को वो क्या दिखाई दे गया? बछड़ा दिखाई दे गया। ये बछड़ा कहां से आ गया डेरे में? ये बछड़ा कहां से आ गया तंबू में? ये बछड़ा कहां से आ गया उद्धार पाए हुए लोगों में? ये बछड़ा कहां से आ गया कलीसिया में?
हेलो, आप मेरे साथ हैं। क्या दिखाई दे रहा अभी मूसा को? बछड़ा। बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। और बछड़े के आगे क्या चल रहा है? डांस चल रहा है। कौन कर रहे हैं? इजराइली। कौन कर रहे हैं? मिस्र से छुड़ाए हुए लोग। कौन कर रहे हैं? उद्धार पाए हुए लोग, यूं समझ लीजिए। बछड़े के आगे आराधना चल रही है। और बेटे आगे? तब मूसा का क्रोध भड़क उठा। तब मूसा को क्या आ गया? क्रोध आ गया। 40 दिन 40 रात भूखा रह करके इनके लिए आशीष बटोर के नीचे ले आया, और नीचे आया तो बछड़ा पाया। आगे? और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे, हाथ में जो परमेश्वर की आज्ञाएं और नियम विधि विधानों को लेकर आ रहा था, ब्लेसिंग्स को लेकर आ रहा था। 40 दिन किसी को भूखा रह करके आप देखो, पता चलेगी आपको। 40 दिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर ये कुछ लेकर आ रहा था, और इसने जब देखा कि लोग तो बर्गिश्ता हो गए, विश्वास से डामाडोल हो गए, जीवते परमेश्वर को छोड़कर बछड़े की आराधना कर रहे हैं, और ये क्या हो गया? ये माहौल कैसे बदल गया? आगे बढ़े। और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। उसने कहा, खुदा इनको जरूरत नहीं है, इनको तो बछड़ा मिल गया है, इनको वचन की जरूरत नहीं है। ये जो तूने लिखा मैं वो जब मुझे नीचे तख्तियां दे करके भेजी थी, इनको जरूरत नहीं है। उसने फेंक दी। और तब उसने उनके बनाए हुए बछड़े को, तब उसने उस बछड़े को लेकर आग में डाल के फूंक दिया। उसको भी तोड़ डाला और आग में डाल करके फूंक दिया। पढ़ो। और पीस कर चूर चूर कर डाला। चलिए आगे बढ़ी। और जल के ऊपर फेंक दिया। और जल के ऊपर उसको बिखेर दिया, और इसराइलियों को उसका खात्मा कर दिया। आगे। और इसराइलियों को उससे पिलवा दिया। एक सच्चा सेवक होता है ना, उसका अंदर ऐसी ही जलन होती है। लेकिन क्या हुआ? तब मूसा हारून से कहने लगा। तब मूसा ने हारून की तरफ मुंह किया। हेलो, क्यों? क्यों? क्योंकि इन सब के पीछे जिम्मेदार कौन था? हारून। आज बहुत हारून है शहर में, ध्यान रखना, जो तुम्हारे जहाज को डुबोने के चक्कर में है। इसलिए पौलुस बोलता है तिमोथियुस को कि उस भविष्यवाणी को, उस शिक्षा को और उस विश्वास को और उस विवेक को, सबसे पहले लोग क्या करते हैं मालूम है? आपका विवेक खराब करते हैं, आपके पास्टर के प्रति आपका विवेक खराब करते हैं, आपकी कलीसिया के प्रति आपका विवेक खराब करते हैं। काय को इतना दूर जाना ना, इधर ही तो चर्च चल रहा है, पास में ही, इतनी दूर क्यों जाते, पागल हो क्या तुम? हैं, चंद्रवृदाई में भी चर्च चलता है राम स्वरूप जी, इधर क्यों आते? विवेक खराब करने लोग आएंगे आपका। लेकिन उस समय अपने विवेक को बचा के रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो विवेक गया तो विश्वास भी जाएगा, और विश्वास गया तो जहाज डूबेगा। बहुत मेहनत की है इस कलीसिया के लिए, आप लोगों को मिस्र से निकालने के लिए बहुत मेहनत की है मूसा ने, और आज जब मूसा उस मेहनत को बर्बाद होते हुए देख रहा है, उसका दिल रो गया। पौलुस जब एथेने में गया तो रो पड़ा, लोगों को मूर्ति पूजा में देखा, रोने लगा। जब आप गलत काम करते हैं, आपके आत्मिक अगुवे को बहुत दुख होता है। एक गलत रास्ता आप जब चुनते हैं, आपके अगुवे को बहुत तकलीफ होती है, वो रोता है खुदा के सामने। और मूसा उसी कंडीशन में आ गया, और उसने हारून की ओर देखा, और फिर क्या हुआ? इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया? ये क्या कर दिया हारून? कि तूने 40 दिन 40 रात ही तो गया था, ये क्या कर दिया तूने? अब आगे बढ़िए। कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया? काई में फंसा दिया इस अगवे ने। बहुत सारे अगवे हैं जो आपको काई में फंसाएंगे, ध्यान रखना। आप ज्योति पाए हुए लोग हैं, ये आपको अंधेरे में धकेल देंगे। जहां से आए थे ना, वही पहुंचा देंगे। मिस्र में क्या था? मूर्ति पूजा ही तो थी। मिस्र में क्या था? यही तो चीजें थी। जंगल में मिस्र बना दिया। किसने बनाया? कोई और नहीं था, एक लीडर था। आज बहुत सारे लीडर हैं जो आपके घर को फिर से मूर्ति पूजा में बदल देते हैं।
हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए बुलाए गए हैं, किसी व्यक्ति की आराधना ना करेंगे ना करना है। ताली बजा के प्रभु को महिमा दीजिए, हालेलुया। समझ में आया, हम परमेश्वर की आराधना के लिए बुलाए गए। हाँ, आदर के योग्य हैं जरूर अगवे, लेकिन आराधना के योग्य केवल हम सबके प्रभु ही है। ऊंचा हाथ उठाकर बोले, आराधना के योग्य तू ही है प्रभु, हालेलुया। तो हम उसके बाद देखते हैं कि जब हारून आ गया तो हारून ने लोगों को बर्गिश्ता कर दिया, ईमान से बेईमान कर दिया, और उसने कहा कि जब तू ऊपर गया हुआ था और ये लोग मुझे तंग कर रहे थे और मुझे कह रहे थे कि मूसा तो जिसको प्रभु ने हमारे लिए नियुक्त किया था, शायद लगता है वो मर गया है, वो वापस आया नहीं है, कितने दिन हो गए, कौन हमको आगे की रास्ता दिखाएगा, और मुझे भी इन्होंने तंग किया। फिर क्या हुआ? तब मैंने उनसे कहा जिस जिसके पास सोने के गहने हो, काय के गहने, सोने के गहने हो, वे उनको उतार लाए, वो उनको क्या कर लो, उतार के मेरे पास ले आओ। और जब एक बात मुझे बताओ, सोना कहां से था? आया था मिस्र, मिस्र से आया था। परमेश्वर ने सोना काहे के लिए दिलवाया था? अच्छा एक बात बताओ, आप सोना क्यों खरीदते हो? पहन के तो आते नहीं हम लोग। हाँ, ये बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। बुरे वक्त पर सोना क्या करेगा? आपको राहत पहुंचाएगा, आपके काम आएगा, बस इसीलिए दिला था। परमेश्वर ने इसराइलियों के लिए मिस्रियों का मन खोल दिया, और जब मिस्री बाहर आ रहे थे, उन्होंने उतार करके अपने गहने इनको पकड़ा दिए, बोला ले जाओ, वक्त जरूरत पर काम आएगा, इसको बेच करके अपना खर्चा चला लेना। खर्चा चलाने के बजाय क्या हुआ? वो सोना सारा ले आए और सोने को लाकर उसने क्या घर में काई में डाला? मैंने उन्हें आग में डाल दिया। मैंने उस सोने को क्या करा? आग में डाला। और आग में जब मैंने सोना डाला तो शैतान ने बड़ा चमत्कार किया। परमेश्वर ने बछड़ा निकाला था, ये चमत्कार किसका था? मैं तो साफ बोल रहा हूं, ये तो शैतान की तरफ से था। कभी कभी शैतान चमत्कार करके दिखाएगा, वहां भी चंगाई तो वहां भी होती है पादी साहब, तो भाग जा वहीं पीछे। आज इंसान जो है शिक्षा के पीछे नहीं भागता, प्रॉफिट के पीछे भागता है। काय के पीछे? प्रॉफिट। प्रॉफिट समझते हैं आप? देखिए इंग्लिश के अंदर प्रॉब्लम है, एक शब्द के दो दो अर्थ निकलते हैं हमेशा। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे टीचर हमें हमेशा बोलते थे, इंग्लिश के दो शब्द कल ढूंढ के ऐसे आना जिनके दो अर्थ निकलते हो, और ढूंढने पड़ते थे मुझे। अब यहां जो शब्द है प्रॉफिट, स्पेलिंग में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल सेम है। अब वहां लिखा है कि प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब क्या है? हाँ, लाभ, लाभ। एक एक मीनिंग है उसका, एक है भविष्य तकता और दूसरा है लाभ। जिसका नाम प्रॉफिट है वो आपका लॉस कर रहा है। क्या आप मेरे साथ हैं? जिसका नाम प्रॉफिट है, ऐसे कई प्रॉफिट है जो खुद तो बर्बाद हुए, अपनी प्रजा को, अपने फॉलोवर्स को भी लेके बर्बाद हो गए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रॉफिट्स के पीछे मत भागो। भविष्यवाणी मैं भी करता हूं, लेकिन कब करता हूं? जब प्रभु मुझे बताता है, जब आत्मा मुझे बताता है। कईयों के घरों में जाके बोल के आया हूं कि तुम्हारे घर में ये होने वाला है, ये होने वाला है, ऐसा होने वाला है, तेरी लाइफ में ऐसा होने वाला है, सुधर जा, संभल ले। यही तो होता है, प्रॉफिट क्या करता है? यही तो चेतावनी देता है। प्रॉफिट जो असली जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा बिब्लिकली बात करेगा, वचन से ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। जो सही भविष्य देखता है, जो सही भविष्य देखता है वो हमेशा चर्च यानी कलीसिया की उन्नति के लिए काम करेगा, प्रॉफिट के लिए काम करेगा। प्रॉफिट प्रॉफिट के लिए काम करता है, लेकिन वो खुद का प्रॉफिट कर जाता है, चर्च का लॉस कर जाता है।
इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हारून ने आग में डाला सोना तो निकल आया बछड़ा। ये बछड़ा किसने निकाला? ये तो मुझे लगता है उस जमाने में भी था ना, उसने बोला हाँ हाँ निकल गया बछड़ा आ गया। अब चमत्कार हो गया था, बछड़ा आ गया, अरे डाला तो सोना था निकल गया बछड़ा। शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है और ऐसे चमत्कारों करके आपको अच्छे अच्छों को भ्रमित कर देता है। और जैसे ही बछड़ा निकला, लोग बछड़े के आगे क्या करने लगे? आराधना, उसको उपासना करने लगे। और इसने हारून ने भी उनको रोका नहीं, ध्यान से सुनिएगा, हारून ने उनको रोका नहीं। हारून की क्या ड्यूटी थी उस समय? हारून की सही ड्यूटी क्या थी ये बताइए मुझे। हारून की सही ड्यूटी ये थी कि अरे तुम्हें ये नहीं निकाल के लाया है, तुम्हें जिंदा परमेश्वर निकाल के लेकर आया है, उसकी आराधना करो। लेकिन इसने क्या बोला? यही है जो तुम्हें कहां से निकाल के लाया है? अंधेरे में से ज्योति में लाए थे, वापस कहां पहुंचा दिया? कितनी गहरी बात है अगर आप इस बात को समझो तो। झूठी शिक्षा में जाने से बेहतर है मिस्र चला जा वापस, बीच में बर्बाद हो गया ये ना इधर के रहे ना उधर के रहे। पढ़िए आगे क्या लिखा है। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया। क्या कर दिया हारून ने? हारून ने लोगों को बर्बाद कर दिया। हारून ने उन लोगों का जहाज, विश्वास का जहाज क्या कर दिया? डुबो दिया। मेरे अजीजों, परमेश्वर जो है अद्भुत है। हारून जैसे लोगों से जो लोगों को बर्गिश्ता करते हैं, गलत शिक्षा देते हैं, उससे क्या करना है? अपने आप को बचाना है। इसलिए पौलुस अपने बेटे तिमोथियुस को लिख रहा है कि उस विश्वास को और अपने विवेक को क्या कर? थाम के रख, बनाए रख। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो मेरे अजीजों, इस बात को हमें अच्छी रीति से समझना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। तो वचन कहता है कि हम उस शिक्षा में बने रहें। आइए मैं आपको एक और बात बताता हूं। रोमियो की पत्री 16वां अध्याय और उसके आखिरी कुछ पदों को हम पढ़ेंगे और उसके 17 पद से पढ़ेंगे। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, हाँ, फूट डालने, हाँ, और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, जो ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, वो शिक्षा जो तुम्हें मिली है उसके विपरीत शिक्षक बहुत सारे हैं, उसके द्वारा उन्हें ताड़ लिया करो। उन्हें क्या करो? ताड़ लिया करो। बहुत सारे हारून जैसे बर्गिश्ता करने वाले, ईमान से बर्गिश्ता करने वाले, जहाज डुबोने वाले घूम रहे हैं, उनसे अपने आप को बचा के रखो। क्योंकि जो मेहनत हमने आप में की है, उस मेहनत को कोई बर्बाद करे ये हमसे देखा नहीं जाता है। मैं कई दिनों से प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु क्या करूं? आज प्रभु ने मुझे बोला, लोगों को स्पष्ट रूप से बता दे, संगति केवल उन लोगों से करो जो एक ही जहाज में बैठे हों, एक ही विश्वास के अंदर हों, वरना थोड़े दिनों के बाद आपका विश्वास रूपी जहाज डूबा हुआ मिलेगा। बाइबल बोलती है उन्हें ताड़ लो और उनसे क्या करो? और उनसे दूर रहो। 18 पद पढ़ो। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह के नहीं, ये यीशु मसीह की सेवा नहीं करते हैं, और परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। ये काई की सेवा करते हैं, पेट के पुजारी हैं, और चिकनी चुपड़ी बातों और से चिकनी चुपड़ी बातों करके सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। सीधे साधे लोगों के मन को क्या कर देते हैं? बहका देते हैं। आप तो बहुत भोले भाले हैं, आप तो क्या है? बहुत भोले भाले हैं। लेकिन ये चतुर हैं, इनसे बचने की जरूरत है। और उससे बचाने के लिए आज ये संदेश मैं आपको दे रहा हूं कि अपने विश्वास रूपी जहाज को बचाना है तो इन लोगों से अपने आप को क्या करना पड़ेगा? आपको संगति चाहिए, बोलिए। 24 घंटे 365 दिन हम यहां पर हैं। कौन से समय चाहिए आपको संगति? किस समय आपको प्रार्थना करने के लिए आना है? बोलिए। 24 घंटे 365 दिन ये भवन खुला रहता है।
मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा परिवार यहाँ रहता है और कई पास्टर यहाँ सुबह से शाम तक बने रहते हैं। आप कहें तो मैं रात में भी ड्यूटी लगा देता हूँ, बताइए। आपका जहाज ना डूबे उसके लिए मैं 24 घंटे 365 दिन तैयार हूँ, लेकिन फिर भी आप अपना जहाज डुबोने में लगे हुए हैं तो डुबोते रहो। समझ में आया बात? एक और बार उस आयत को पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपने प्रार्थना में जाएंगे। हे पुत्र तिमुथियुस, हाँ हे पुत्र तिमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार, हाँ, जो पहले तेरे विषय में की गई थी, जो भविष्यवाणियां आपके लिए की गई हैं, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ, मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। अच्छी लड़ाई को लड़ो, तरीके से लड़ो, नियम अनुसार लड़ो, और विश्वास और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। आप अपने विवेक को और अपने विश्वास को, जो आपकी धरोहर है, जिसके बारे में अगले रविवार को अगर प्रभु ने मुझे मौका दिया तो मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़िए। जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। विश्वास रूपी जहाज क्या हो गया है? डूब गया। इस कोविड में भी डूब गया। कोविड में कई विश्वासियों का जहाज डूब गया। और उसके बाद क्या लिखा है? एक दो व्यक्तियों का नाम भी लिखे जिनका जहाज डूबा है। उन्हीं में से हिमुनिस और सिकंदर हैं। कौन है? नाम तो है सिकंदर और जहाज डूब गया। क्यों तुम्हारे जहाज डूब जाते हैं? क्योंकि तुम ऐसे लोगों को अपने घर में एंट्री देते हो जो तुम्हारा विवेक खराब करते हैं। मैं बता दूं आपको, बहुत अच्छी रीति से बोल, तुम ऐसे लोगों को अपने घर में एंट्री देते हो, उनको अपने घर में बैठाते हो, उनसे बातें चीतें करते हो, उनकी सुनते हो, जो तुम्हारे विवेक को तुम्हारे पास्टर के विरोध में और तुम्हारी कलीसिया के विरोध में खराब करते हैं। और कभी उनसे पूछना जो तुम्हारा विवेक खराब करते हैं, जिन्होंने तुम्हारा जहाज डुबोने के लिए प्रयास किया, उनसे पूछना कि वही पास्टर जिसकी तुम बुराई कर रहे हो, उस पास्टर ने तुम्हारा कितना साथ दिया है। एहसान फरामोश लोग कभी आशीष नहीं पाएंगे। जरूरी नहीं कि मैं 24 घंटे आप ही के पीछे भागता रहूं, और भी तो काम है। पर अगर आपको अर्जेंट काम है तो मैं और मेरा परिवार आपको संभालने के लिए आज भी तैयार है और कल भी रहेगा। फालतू आकर चाय पीने का टाइम मेरे पास नहीं है। आपको जरूरत है, 24 घंटे 365 दिन में आप कभी भी पुकारेंगे, हम तैयार हैं। ऐसा कोई यहां पे नहीं बैठा हुआ है जो ये कह दे कि मैं बीमार था, मैंने पास्टर को फोन किया, पास्टर मेरे को सुधी लेने नहीं आया। कोई है तो आ जाना और बता दो, नहीं तो अभी खड़ा होकर के बता दो। चलो, मैं इतना हियाव से यहां से बोल रहा हूं, रात को 2-2 बजे भी अगर किसी ने पुकारा तो ये और इस परिवार के लोगों ने जाकर के शुद्धि ली है। और क्या करेंगे? और क्या करें? थाल में गर्दन रख के भेजें आपके पास। फिर भी अगर आपका अपना जहाज आप नहीं बचा पा रहे तो उसके जिम्मेदार फिर आप हैं। मुझे ये बात प्रभु से पहुंची और मैं आपको पहुंचा चुका हूं। परमेश्वर ऐसा करने के लिए आपको बल दे। आइए अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएं। समय नहीं है मेरे पास, लेकिन अगले रविवार को विश्वास के और भी बातों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिनको सुनने के बाद आप अपने विश्वास रूपी जहाज को मजबूत कर पाएंगे। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय हम दुआ करते हैं आपकी सामर्थ को, जो वचन प्रभु जी दिया गया है इस वचन पर चलने की सामर्थ दे, हम अपने विवेक को और अपने विश्वास रूपी जहाज को बचा सके। खुदा, हमने बड़ी मेहनत करके प्रभु जी इस खेती को सींचा है और कोई इस खेती को बर्बाद करे ये हमसे देखा नहीं जाता। प्रभु, तू उनको ताड़ने की हमें बल दे कि हम उनको पहचान सकें। प्यारे परमेश्वर, इस समय हम दुआ करते हैं खुदा, सारी उत्तम आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए जो तूने हमारे जीवन में किए, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु, सुने गए वचन के साथ जब ये अपने घरों को जाते हैं, तू इनके साथ होना, इनकी सहायता और मदद करना।
सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। हम सब बोलें आमीन।